साल 2013 में एक फिल्म आई थी, भाग मिल्खा भाग। फिल्म का बजट मात्र 30 करोड़ का था, लेकिन कमाई 100 करोड़ के पार हुई थी। एक अरसे बाद बॉलीवुड में कोई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बनी थी, लिहाजा लोगों ने दिल से स्वागत किया। साथ ही हिंदुस्तान में एथलेटिक्स का पर्याय बन चुके मिल्खा सिंह की जिंदगी को भी लोगों ने बेहद करीब से जाना। इसके बाद बॉलीवुड में स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्में बनने का एक ट्रेंड सेट हो गया। कुछ हिट हुई तो कुछ फ्लॉप, लेकिन जिस देश में क्रिकेट को धर्म माना जाता है, वहां अन्य खेलों का मैच देखने न सही, लेकिन लोग इसी बहाने अपने स्टार खिलाड़ी को देखने के लिए टिकट काउंटर पर भीड़ जरूर लगाने लगे। खैर, सोमवार को फिल्म सूरमा का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ये फिल्म भारत के पूर्व कप्तान संदीप सिंह की जिंदगी पर आधारित है। दलजीत दोसांझ इस फिल्म में संदीप सिंह का रोल निभा रहे हैं, तो वहीं तापसी पन्नू उनकी हरजिंदर कौर, जो कि पत्नी है संदीप सिंह की, इस फिल्म में वो भी किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म में संदीप सिंह का संघर्ष, लगन और भारत का नंबर वन ड्रैग फ्लिकर बनने तक का सफर दिखाया गया है। इस फिल्म में संदीप सिंह की लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, लेकिन तब तक फिल्म का इंतजार करें। चलिए हम आपको बताते हैं सूरमा की असली कहानी। संदीप का जन्म कुरुक्षेत्र के शाहबाद में हुआ, हॉकी विरासत में मिली, इसीलिए बचपन में ही संदीप ने हॉकी खेलना शुरू कर दिया। गांव में बलदेव सिंह एकेडमी में वो प्रशिक्षण लेते थे। संदीप के हॉकी खेलने की एक वजह ये भी थी कि उनकी मोहब्बत हरजिंदर कौर भी उसी एकेडमी में ट्रेनिंग लेती थी। इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। ये बात हरजिंदर कौर के भाई के कानों तक पहुंची। उनके भाई ने संदीप के सामने भारत के लिए खेलने की शर्त रख दी। हरजिंदर कौर के भाई के मुताबिक अगर संदीप भारतीय टीम में सेलेक्ट होते हैं तो वे खुशी खुशी अपनी बहन का हाथ संदीप के हाथों में रख देंगे। इसके बाद अपनी मोहब्बत को पाने के लिए संदीप सिंह ने दिन रात मेहनत की। साल 2004 में संदीप सिंह को भारत के लिए खेलने का मौका मिला, लेकिन उनका असली खेल साल 2006 के बाद शुरू हुआ। अब तक मोहब्बत के लिए हॉकी खेलने वाले संदीप सिंह अब देश के लिए हॉकी खेलना चाहते थे। दरअसल ट्रेन में सफर करते वक्त संदीप सिंह की पीठ में गोली लगी। गोली लगने के बाद संदीप पैरालाइज हो गए। 2 साल तक वो मैदान पर नहीं आए। ऐसा वक्त जब संदीप सब कुछ हो चुका था, लेकिन उसके पास थी हिम्मत। क्योंकि हॉकी में सारा खेल पीठ पर निर्भर करता है, खिलाड़ियों को झुककर खेलना होता है। संदीप सिंह के जज्बे और हौसले का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोली लगने के 3 साल बाद लोग उन्हें ड्रैग फ्लिकर किंग और पेनल्टी स्पेशलिस्ट के नाम से बुलाने लगे। साल 2009 में संदीप ने भारत के लिए 13 साल बाद सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जिताया। इस टूर्नामेंट में संदीप सबसे ज्यादा गोल मारने वाले खिलाड़ी थे। वहीं लंदन ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट में संदीप ने अकेले ही 16 गोल मारे और भारत को ओलंपिक में क्वालिफाई करवाया। भारत के इसी दिग्गज हॉकी प्लेयर का जिंदगी का सफर दर्शक 13 जुलाई को सिनेमाघर में देखेंगे। आशा करते हैं कि इस फिल्म की वजह से लोगों को लगाव हॉकी से और जुड़ेगा। वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश।